नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। मुफ्त की रेवड़ी, जनता को मुफ्त के वादे देकर चुनाव जीतना और चुनाव के बाद वो वादे पूरे होते हैं, कितने पूरे नहीं होते हैं ये तो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से देश में एक चलन चल गया है कि फ्री की चीजें बांटो और चुनाव जीत लो, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि इस प्रकार के जो वादे किए जाते हैं ये जनता के हित में नहीं है और किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि उन्होंने सभी पार्टियों को फटकार लगाई है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है तो ये गंभीर विषय जो है, इस पर चर्चा हो रही है, लगातार इस पर बातचीत भी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में ये जरूर बताया था कि मुफ्त की रेवड़ी, और उसके बाद उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन केजरीवाल का भी इस पर बयान आया था। तो जो पार्टियां हैं जो मुफ्त के वादे करके चुनाव जीत रही हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये रणनीति बन गई है। हर तरफ ऐसे ही वादे किए जाते हैं और उसके बाद चुनाव जीत लिया जाता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टियां सामने भी आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टियों को फटकार लगाई है। अब अगर हम देखें तो दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी के वादे किए और उसके बाद चुनाव जीत लिया। जो कुछ भी उन्होंने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए ये तो अलग विषय है। और उसके बाद जब चुनाव जीता गया केजरीवाल की तरफ से, तो कई सारे ऐसे रिपोर्ट भी सामने आई जहां पर वादे तो किसी तरीके से उन्होंने पूरे किए, लेकिन उसमें कई बड़े झोल दिखाई दिए। ये भी दिखाई दिया कि किस तरीके से बिजली का बिल, जो घर बंद पड़े हैं या फिर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनके भी आ रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा, जो पहले जैसा चल रहा था उसमें भी गड़बड़ी थी। पानी, जो मुफ्त पानी की बात कही, कहीं कहीं ऐसे जगह है, द्वारका से आपने देखी थी तस्वीरें आई थी कि वहाँ पर भी पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं मुफ्त बांटा जा रहा है, कहीं वो चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं। तो ये सारी जो गड़बड़ियाँ हैं इसको सुधारने की ज़रूरत है। जो सुविधाएं हैं हर किसी को पहुंचे, और उन सुविधाओं में जो चीज़ें हैं, जो प्राइस है, वो उन्हें पे करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा जाता है ये टैक्स का ही पैसा है, ये आखिर कहीं ना कहीं से ये मैनेज ही किया जाता है। तो एक तरीके से ये फ्री तो नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके के वादे किए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो पंजाब में भी यही लागू हुआ, और उसके बाद अब गुजरात इलेक्शन आ रहा है, गुजरात में भी यही वादे किए जा रहे हैं। वहाँ की जनता ने तो एक बार मना भी कर दिया, लेकिन लगातार इसी तरीके की बातचीत चल रही है। अब अगर बात करें केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया था कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे। चुनाव आयोग से भी इस पर सख्ती बरतने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को फटकार लगाई है, इस पर जस्टिस ने क्या कुछ बयान दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को लेकर कहा है कि कोई भी दल इस पर रोक नहीं लगाना चाहती, क्योंकि सभी ऐसा करना चाहती हैं। अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर खूब जमकर लताड़ लगाई है। पीठ ने कहा है कि पिछले कई सालों से कोई भी इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है। शीर्ष अदालत ने 2013 में अपने फैसले में ये कहा था कि मुफ्त वाले वादों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर असर पड़ता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि ये मुद्दा जो है वो गंभीर है, सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि वो कुछ नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह भी कहा कि हम केवल इसे चुनाव के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसका देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देख रहे हैं। इस सलाह पर कि संसद पर इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आपको लगता है कि संसद इस पर चर्चा करेगी भी? कौन राजनीतिक दल मुफ्त वादों पर चर्चा करना चाहती है? ये सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। कोई भी दल इस पर ऐसा नहीं करना चाहती, सभी दल चाहते हैं कि मुफ्त के उपहार वाले वादों पर रोक लगे। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ये कहा कि सभी दल तो ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगे, लेकिन कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की यही रणनीति है कि कुछ ना कुछ फ्री का दिखाकर, जो कि जनता का ही पैसा होता है, और हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका दिवालिया इसी वजह से निकला है, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं उसी वजह से। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्या जनता को कुछ चीज़ें मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया, उसको फ्री करना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है वो जुड़ा हुआ है एक तो हमारे देश के भविष्य से, और दूसरा जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है। वैसे शिक्षा भी हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गई है, लेकिन जो हमारे देश की स्थिति है, ऐसे में हम ये देखते हैं कि पहले स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, जो ये हमारी तीन मूलभूत चीज़ें हैं, ये मिलना चाहिए, और उसके बाद हमें शिक्षा।
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हेल्थ फ्री होना चाहिए और इसके साथ ही एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कोई भी फ्री नहीं देता, बल्कि और भी कई प्रकार के वादे किए जाते हैं। कई सरकारें तो ऐसी हैं कि एक दारू की बॉटल पर दूसरी दारू की बॉटल फ्री मिलेगी, इस प्रकार की स्कीमें लेके आती हैं। तो ये हमारा देश कहाँ जा रहा है, कहीं ये श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। वक्त रहते अगर इन सब चीज़ों पर लगाम नहीं लगी तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं वो समस्याएं लेकर आएंगी। तो अभी भी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उससे पहले केंद्र सरकार को भी इस पर सदन में चर्चा करनी चाहिए। चुनाव आयोग पर भी जिस प्रकार से फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्हें भी सख्ती बरतनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी आगे आकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई एक पार्टी ऐसा कर रही है तो दूसरी पार्टी को इसका विरोध भी करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त रेवड़ियों को लेकर बयान दिया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द ही चर्चा कर सकती है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।